नास, यानी के बेशक अल्लाह ने पहला घर बनाया इंसानों के लिए, लल्लवी बक्का मुबारकन बहुदल आलमीन, तो बहुत ही बरकत या पक्का घर है जो आलमीन के लिए मरकज हिदायत है। आलम कहते हैं एक दुनिया या एक जहान या एक वर्ल्ड, और आलमीन माने सारी दुनिया या सारे जहान या सारे वर्ल्ड। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है। रसूल रहमतुल आलमीन, रसूल आलमीन के लिए रहमत है। उसी तरह काबा हुदल्लिल आलमीन, काबा आलमीन के लिए मरकज हिदायत। आवाज है बुलंद सलावा। हम अल्लाह से पूछे, या अल्लाह ये घर कैसे हिदायत करेगा? ये तो मिट्टी का मेरा घर है, ये तो पत्थर का मेरा घर है, ये तो ईंटों का बना हुआ घर है, ये कैसे हिदायत करेगा? ये मिट्टी ईंटों का बना हुआ, मिट्टी ईंटों पत्थर का बना हुआ घर कैसे, ये कैसे हिदायत करेगा? ना तो ये बोल सकता है, ना तो बता सकता है, अरे क्या बात है, सुन सकता है, ये कैसे हिदायत करेगा? तो अल्लाह इसी आयत में इरशाद फरमाता है कि फी आयातुन बय्यिनात, इसके अंदर जाहिर साफ निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस निशानी कैसे हिदायत करती है, इसके लिए हम छोटी सी एक मिसाल लेंगे। जैसे हम गाड़ी में रोड पर आए, हमने क्या देखा, एक सिग्नल लगा हुआ है, ऊपर तीन लाइट जल रही है, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन। जैसे येलो लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती इंतजार करती है, और जैसी रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां रुक जाती है, और जैसे ग्रीन लाइट जलती है तो सारी गाड़ियां चलती है। तो हमने क्या देखा, ना तो सिग्नल बोला, ना तो कोई हरकत, ना तो चला, लेकिन उसने अपने इशारों से समझा दिया कि कब रुकना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है। इसी तरह काबा भी हिदायत करता है।